नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जेके स्टूडेंट एंड देसी बाई यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस रिक्रूटमेंट्स के बारे में। आपको बता दें कि जेकेपी की भर्ती के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अगर आप भी जम्मू कश्मीर पुलिस का फॉर्म फिल किए हुए हैं, जो आप लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप लोग फॉर्म फिल करवाने के लिए 8983511 पर मैसेज करें और अपने फॉर्म को प्रॉपर तरीके से फिल करवाएँ। आपको बता दें कि साइट थोड़ा बहुत रुक रुक के चल रही है, बट हम फिर भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक आपने जेकेपी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इस ग्रुप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। क्या क्या ग्रुप में थोड़ा बहुत लेटेस्ट डाला है इस वीडियो में बताएंगे और साथ में आपको जेकेपी की भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, कब तक हो सकता है एग्ज़ाम, जो बच्चों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। आपको बता दें कि जेकेएसएस भी अपने एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करा रहा है। पटवारी का एग्ज़ाम आया है, वो एक ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम था जिसका लेवल थोड़ा टफ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि जेकेपी का कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया एग्ज़ाम पैटर्न, कुछ फेक सिलेबस वायरल हो रहे हैं, बट आपको बता दें कि अभी तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, बट ये बहुत जरूरी है कि जेकेएसएसपी के माइंड में ज्योग्राफी चल रही है। पटवारी के एग्जाम में मैक्सिमम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की सारी डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सभी आपके माइंड में होना चाहिए, फिर आप लोग अपने एग्ज़ाम को थोड़ा बहुत अंजाम दे सकते हैं। 24,000 कैंडिडेट्स दौड़ के लिए बुलाए जाएंगे, एक बड़ा आंकड़ा है, तो 24,000 में आप सभी को आना है। लगातार काफ़ी स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटरों के साथ साथ तमाम लाइब्रेरी में विजिट कर रहे हैं, बट आपको बता दें कि जितना टाइम आप बुक्स को देंगे, आप लोग मेन पॉइंट्स को रीड करेंगे वही बेस्ट रहेगा। अगर आप लोग लेंथ ही पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन रीड करेंगे जो जिनका कोई मतलब नहीं, तो फिर भी आपको दिक्कत होगा। गाइडेंस के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग जेकेपी स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। सेम ग्रुप लड़कियों का है, सेम लड़कों का। 8983511 नंबर पे मात्र 50 रुपये पेमेंट करके ग्रुप का लिंक मांगना है, कॉल करके या मैसेज करके। आप लोग देख सकते हैं ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, आज टिप्पू सुल्तान के बारे में जो क्वेश्चन पुट किया था आप लोग देख सकते हैं। टिप्पू सुल्तान की बात करें तो टाइगर ऑफ मैसूर जो कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिला है टिप्पू सुल्तान के बारे में, काफ़ी लड़कों ने बढ़िया आंसर दिया है। तो आपको बता दें कि टिप्पू सुल्तान मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल जिसके 5 तारीख को फॉर्म लग रहे हैं, अगर आप कोई भी जैसे जूनियर असिस्टेंट्स के अभी फॉर्म लग रहे हैं, आपके हाईकोर्ट में ITBP या आप लोगों ने कोई भी इंडियन आर्मी अग्निवीर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के 3 ग्रुप लड़कों के लिए बनाए हैं और 2 ग्रुप लड़कियों के लिए हैं। दोनों आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ग्रुप में। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी आपको बता दें कि मेरिट के बारे में बच्चे पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो आपको बता दें कि पटवारी का एग्ज़ाम आज स्मूथली कंडक्ट हुआ है। अब फिलहाल आपको बता दें कि कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इसके चलते थोड़ा सा साइलेंट रहेगा जेकेएसएसबी भी। तो आपको बता दें कि ऑलरेडी जेकेएसएसबी के पास कितना वैकेंसी है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 15 अगस्त को अनाउंस किया है वो वैकेंसी भी है। आपको बता दें कि जल्द वो वैकेंसी भी एडवर्टाइजमेंट होगा। वो वैकेंसी कौन सा हो सकता है, उसमें क्लास फोर्थ की वैकेंसी होने की उम्मीद है। उसमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग सिविल डिपार्टमेंट्स में अलग अलग प्रकार की पोस्टें होंगी, जो कि आपके लिए कॉन्फिडेंस का काम करेगी। एक एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है। स्पेशल लड़कियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सिविल डिपार्टमेंट्स में कोई भी जॉब हो उसकी उम्र 40 साल के आसपास रहती है, उसमें क्लास फोर्थ की वैकेंसी के साथ साथ मेडिकल डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी नजर आएगी, वो अलग बात है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस की। तो जेकेपी की बात करें तो जेकेपी का एग्जाम आप लोगों को पता है 4 अक्टूबर तक तो फिलहाल कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होने की संभावना। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका फिजिकल टेस्ट होने वाला है फॉरेस्टर का, फॉरेस्ट गार्ड का, कितना होगा उसका डिटेल डाटा हम बताई देंगे। बाकी हमारे इंस्टाग्राम ID jkstudent.desiboy06 के नाम से फॉलो करें, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो हो गया, ठीक है ना, सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर तक तो आप लोगों का ये रहेगा। उसके बाद आपको बता दें कि लास्ट यानी कि नवंबर महीने के स्टार्टिंग से या अक्टूबर के एंडिंग में जेकेपी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की उम्मीद हो सकती है। 15 से 20 दिन इनको तैयारियाँ करने में लग सकती है, एक मेजर एग्ज़ाम हो सकता है। आपको बता दें कि 2 ही सेंटर बनने की उम्मीद, जम्मू और श्रीनगर। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल आपका बाद में कंडक्ट होगा, 1600 मीटर दौड़, 6.5 मिनट्स का टाइम, 2 ही ग्राउंड है, एक गुलशन ग्राउंड जहाँ SDRF ग्राउंड, 2 ही ग्राउंड जो है वो आप लोगों के तैयार किए जाएंगे, वो अलग बात है। तो आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी ही फिजिकल कंडक्ट करा सकती है, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी साथ में होगा। तो JKSSB ने सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है और उसके बाद मेरिट का पूरा डाटा देके
कंडक्ट करा के वो अलग कार्रवाई होगी, बट कट ऑफ पर लगातार बच्चों की माइंड है। तो आपको बता दें कि नेगेटिव मार्किंग एक बड़ा रोल प्ले करेगा, जो कि आप लोगों का नेक्स्ट काफ़ी एक और क्वेश्चन हमने पुट किया है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आप लोगों का फर्स्ट नेशनल पार्क है, हिमिस नेशनल पार्क आपका लद्दाख में है, गिर नेशनल पार्क आप लोगों को गुजरात में, और डाचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स बहुत ही बढ़िया जहाँ पर नोटिफिकेशन बच्चों को गाइड किया जा रहा है, तो ये पेपर हमने प्रोवाइड करवाया है। एक और क्वेश्चन ह्यूमन राइट डे पूछा था, ह्यूमन राइट डे जो है वो 10 दिसंबर को होता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और 18 मई को कोई डे नहीं है, तो ये बड़ी बात है। तो बाकी आपको बता दें कि कोर क्वेश्चन लेबर डे के बारे में पूछा, तो लेबर डे 1 मई को होता है, तो 1 दिसंबर को एड्स डे, 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे। तो डे भी आपको आने चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेली जहां पर वीडियो क्लिप भी डालने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। ये देख सकते हैं बॉयज़ वाला एक और नया ग्रुप हमने क्रिएट किया है, जे कि इसमें SSC, GD कांस्टेबल, इंडियन आर्मी अग्निवीर, RPF, BSF हेड कांस्टेबल, MTS वगैरह का आपने फॉर्म फिल किया है, तो इस ग्रुप में विजिट करें, जिसकी मात्र एंट्री 30-50 रुपये रखी गई है। आपकी एंट्री वन टाइम ही रहेगी, अगर आप 1-2 साल के लिए ग्रुप में रहते हैं तो बार बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सिलेबस वायरल हो रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस का, जो कि अभी तक ऑफिशियल नहीं है, देख सकते हैं एडिटर ने कैसे लिखा है। एडिट करने वालों ने जम्मू कश्मीर पुलिस सिलेबस 2024 एंड एग्जाम पैटर्न बताया है, बट आपको बता दें कि ये पुराने पैटर्न के मुताबिक है, सेम इसी प्रकार का सिलेबस होने की संभावना, बट इतने टॉपिक मैथ के या रीजनिंग के आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बाकी वो वक्त ही बताएगा कि किस तरह का सिलेबस अपडेट होता है, अभी तक जो ऑफिशियल सिलेबस नहीं। एक और क्वेश्चन हिरोशिमा एटम बम के बारे में हमने बात की थी, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम, आप लोगों को पता है 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी बम गिराए गए थे, सेकंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई थी, तो ये आप लोगों के माइंड में दो क्वेश्चन होने चाहिए। 6 अगस्त काफी बढ़िया आंसर बच्चों ने। तो जेकेबी का फॉर्म फिल करने के लिए बात की गई, आर्मड में 1699 वैकेंसी जम्मू डिविजन के बच्चों के लिए, ये एक बड़ी अपडेट फिलहाल 1679 पूरी बहुत डिविजन्स की है, SDR में 100 ऑलरेडी बच्चों को इतना नॉलेज है। बाकी अदर अपडेट्स की बात करें तो ये हमने डेज के बारे में बात की है, ये पूरे डेज बच्चों को बताए हैं कि जनवरी महीने में कौन कौन सा इंडियन आर्मी डेज जो है वो 15 जनवरी का है, गुरु गोविंद सिंह जयंती 5 को जो रहता है, फिलहाल इसमें कुछ मेन डे नहीं, बट फरवरी महीने में भी आप लोगों का ये भी कोई खास नहीं है। तो बाकी ये जो भी मेन पॉइंट्स डे रहते हैं आने वाले समय में आपको जरूर अपडेट करेंगे, जो फिलहाल हमने बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज प्रोवाइड करवाया, अपनी तैयारी को बेहतर करें स्टूडेंट्स, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, तो लगातार कुछ ना कुछ PDF भी बढ़िया बढ़िया फॉर्म फिल के लिए लगातार बच्चों से पूछा, 200+ कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर चुके, और जैसे देख सकते हैं 37+ कैंडिडेट्स अभी भी पेंडिंग, तो साइट बाद में बंद हो जाएगी, आपको दिक्कत रहेगा। डेली एक्सक्यूजर न्यूज़पेपर भी डेली प्रोवाइड करवाया जाता है, 100 की पावर 0 होगी तो आंसर 1 होगा, एनी रेज की पावर 0 = 1 रहता है जो तमाम स्टूडेंट को रहता है। जल्द हम जहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोज़ भी स्टार्ट करने वाला है, तो आपको बता दें कि विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी जो है वो अस्कार्बिक एसिड जिसका डेफिशिएंसी रहता है, उसके बाद विटामिन ब्लड कोटिंग रिलेटेड विटामिन के का है, उसके बाद आपको बता दें कि बीट जो है वो आपकी रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप आपकी मक्का वगैरह। तो एक और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में लगातार देख सकते हैं, विटामिन के बारे में बात की है, विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन डी, बड़े प्रॉपर तरीके से विटामिन के बारे में पूरा डाटा बताया है, विटामिन के केमिकल नेम्स उसके बाद, तो ये देख सकते हैं विटामिन 2 प्रकार के रहते हैं, तो ये पढ़ना बहुत जरूरी बेसिक आप लोगों को, क्योंकि आपको बता दें कि जो हमसे हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं बच्चों को प्रोवाइड करवाने की, रघुनाथ टेंपल जो है वो कंस्ट्रक्ट कराया था गुलाब सिंह ने और रंजीत सिंह ने कंप्लीट करवाया था, तो ये बड़े क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में, टूरिस्ट प्लेस में MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये ग्रुप बहुत ही बढ़िया यहाँ पर PDF देख सकते हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा PDF हमने ग्रुप में डाल दी है। कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो अभी जस्ट ज्वाइन हुए, उनके पास PDF नहीं है, आने वाले समय में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से सारी PDF हम प्रोवाइड करवा देंगे, जैसे सिलेबस आएगा टॉपिक वाइज भी PDF प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि तमाम YouTube चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप लोगों को PDF का प्राइस 300+ या 700+ का कोर्स के रूप में बेचे जा रहे हैं, बट मात्र 50 रुपये में जो PDF है वो एक ही ग्रुप है जो है वो JK स्टूडेंट पॉइंट का है, जो कि आप लोगों को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा मकसद आप लोगों को जानकारी देना, आपके नॉलेज को थोड़ा बहुत इंप्रूव करना है, बाकी आपकी मर्जी है। हमारे पास लड़कों के लिए 3 ग्रुप हैं, एक नोटिफिकेशन वाला ग्रुप,
जो कॉलेज यूनिवर्सिटी और नोटिफिकेशन वाला ग्रुप है इसकी मात्र एंट्री 30 रुपीज़ रखी है वन टाइम। आपको बता दें कि अगर आप लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब को सीरियस लेते हैं 2025 में आपकी नौकरी डन है, क्योंकि आपको बता दें कि दर दर नौकरियाँ आपको देखने को मिलेंगी। ये कॉलेज वाला ग्रुप है, इसमें इग्नू के एडमिशन की लास्ट डेट होगी, उसके बाद JKP के फॉर्म की जो बात की गई है, उसके बाद आप लोगों का CSF फायरमैन का फॉर्म लग रहा है और कौन से फॉर्म लग रहे हैं रीवेल यूनिवर्सिटी के कुछ भी, तो ये बड़ा ग्रुप बढ़िया है। इसमें कोई भी नया नोटिफिकेशन नहीं, भर्ती नया फॉर्म आता है, एडमिट कार्ड का लेटर वगैरह, तो ये देखो दिन रात काम करने वाले ग्रुप हैं, सो के चलाने वाले ग्रुप नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सभी स्टूडेंट्स को अपनी तैयारी को बेहतर करें, अगर आपने कोई ना कोई फॉर्म फिल किया है थोड़ा सीरियस लें, एकदम से भी पूरी दिन पढ़ने की जरूरत नहीं, आहिस्ता आहिस्ता और एक अपने सिस्टम के हिसाब से टाइम टेबल और शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करोगे तो आई होप आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी। भगवान पर भरोसा रखें और अपनी कामयाबी का वेट करें।